अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू क्लास फोर्थ ईवीएस, चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड पार्ट 5। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टेक योर पेंसिल्स ऑल्सो। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 156। नाउ हियर इन दिस चिल्ड्रन शो द वे, इट इज अ स्मॉल स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है वाटर के बारे में। जो अभी हमने पहले पढ़ा है वाटर के बारे में, वैसे ही एक स्मॉल स्टोरी है जिसका आपको जानना जरूरी था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। सो आपको यू रीड फर्स्ट, आई विल रीड फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन यू। टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका। द वेल्स would have some water only in rainy days. In the past 3 years, there was not enough rain. Everything had dried up there. There was no water for drinking, for growing crops, or for animals. People had to leave their village and go to nearby towns for some work. Children had to leave school to go with the elders. Yes, students, this is a story of a Karnataka state. There is one area whose name is Holagundi. Holagundi एक जगह है कर्नाटका में जहाँ पे टू लिटिल वाटर और नो वाटर, मतलब वहां के लोगों को हैबिट थी कि कम पानी हो या बिल्कुल भी ना हो, उनके लिए कोई भी नई बात नहीं थी। और the wells would have some water only. अब वहां जो कुएं होते थे ना, उसमें ही थोड़ा पानी होता था, वो भी कब? रेनी डेज में, मीन जब बारिश होती थी तब। लास्ट 3 ईयर से क्या हुआ था? There was not enough rain. मतलब सिर्फ बारिश के ही पानी से उनको पानी मिलता था, कुओं में या यूज करने के लिए जो भी था वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड थे। तो लास्ट 3 ईयर से क्या हुआ था? इनफ रेन, मतलब जैसी बारिश होनी चाहिए थी वैसी बारिश नहीं हो रही थी, और सब क्या हो गया था? सब तरफ ड्राइड अप, ड्राइड का मतलब सब चीजें सूख गई थी। वहां क्या हुआ था? पानी नहीं था काहे के लिए? पीने के लिए पानी नहीं था, ड्रिंकिंग नहीं था, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब अनाज उगाने के लिए भी पानी नहीं था, एनिमल्स जानवरों के लिए भी पानी नहीं था, मतलब ना पीने का पानी था ना जानवरों के लिए पानी था, और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी पानी नहीं था। तो पीपल ने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, अपने विलेज को, गांव को छोड़ के जो पास में जो टाउन था, मतलब टाउन क्या होता है? विलेज से थोड़ा डेवलप होता है, विलेज में डेवलपमेंट कम होता है, टाउन में उससे थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट होता। मीन्स अगर रेन, मतलब वो लोग टाउन के लोग रेन वाटर पे डिपेंड नहीं होते, उनके पास पानी के दूसरे सोर्सेस होते हैं, तो वो लोग वहां पे काम करने चले गए। कौन? विलेज के लोग। अब चिल्ड्रन हैड टू लीव, अब चिल्ड्रन को भी क्या करना पड़ा? अपने स्कूल को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनको अपने घर के बड़ों के साथ में कहाँ जाना पड़ा? टाउन में जाना पड़ा। यस, द विलेज पंचायत वॉज वरिड, ऑल द मेंबर्स डिस्कस what could be done. The panchayat had some special members, children. The children's panchayat was called Bhima Sangh. अभी क्या था? विलेज पंचायत जो थी उसके लिए इस कारण से बहुत वरिड थी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं था और लोग गांव छोड़ के जा रहे थे, तो उन लोगों ने आपस में, पंचायत के जो मेंबर्स थे उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। और उस पंचायत में स्पेशल मेंबर्स कौन थे? बच्चे, जो गांव के बच्चे थे ना वो उसके मेंबर्स थे, स्पेशल मेंबर्स थे। तो चिल्ड्रन का, जो चिल्ड्रन की जो पंचायत में थे ना, उसका क्या नाम था? भीमा संघ। हैज अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज, द चिल्ड्रन आस्क द एल्डर्स। नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज पीपल। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वाटर टैंक। द टैंक वुड फिल विथ वाटर व्हेन इट रेन्ड। There used to be fish in the tank and greenery around it. Those days, even the village wells and the pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for the tank. अब बच्चों ने जो था वो वहां जो पंचायत में जो एल्डर्स से उनसे क्या पूछा कि क्या हमारे विलेज में हमेशा ही पानी का शॉर्टेज था, हमेशा पानी कम होता था? तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा पहले नहीं था। और जो विलेज के पीपल थे उन लोगों ने क्या बोला कि कुछ जो उसमें से जो पुराने लोग थे वो हमेशा
क्या रिकॉल करते थे कि हिल के ऊपर एक टैंक है, उसके ऊपर उसमें रेन वाटर भरता था और उस टाइम पे उसमें फिश थे, उसके आसपास ग्रीनरी थी, मतलब हरे हरे पेड़ लगे हुए थे उसके आसपास, और उस टाइम पे वेल्स में और पॉन्ड्स में उसमें भी बहुत पानी हुआ करता था। मतलब ये लोग आपस में बैठ के बातें करते थे, पुराने लोग। तो जब भीमा संघ ने ये बात सुनी तो उन लोगों ने क्या सोचा कि पहले हम जाके टैंक को देख के आते हैं। द टैंक वॉज ऑन द हिल। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन नाउ। हाउ कुड वॉटर फिल? द टैंक हैड मैनी क्रैक्स। हाउ कुड द वॉटर रिमेन इन द टैंक? देयर वेयर नो ट्रीज एंड ग्रास। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी? द चिल्ड्रन सेट, वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। फॉर दिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर एंड वाई दे हैड चेंज्ड नाउ। दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वॉटर प्रॉब्लम, एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर बट फॉर द ईयर्स अहेड। द टैंक वॉज ऑन द हिल। अब जो भीमा संघ था वो कहाँ गया? हिल के ऊपर गया जहां पे वो टैंक बना था। उन लोगों ने टैंक को जब खोल के देखा तो टैंक में क्या था? मड। मड यानी मिट्टी भरी हुई थी और उसमें स्टोन्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो उसके अंदर टैंक में भरे हुए थे। तो अब जब टैंक में मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं तो पानी कैसे भरेगा उसमें? अब टैंक में क्या थे? बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए थे। क्रैक्स मतलब जगह जगह से टूट गया था, मतलब पूरा नहीं टूटा था। क्रैक्स का मतलब क्या होता है? अगर उसमें पानी भरता तो पानी लीक होने लग जाता, तो उसको हम क्रैक्स बोलते हैं। टैंक में क्या हो गए थे? उसमें टैंक्स में क्रैक्स आ गए थे। क्रैक्स मतलब दरार पड़ गई थी। अगर पानी भरता भी तो पानी उसमें से धीरे धीरे बह जाता, तो पानी कैसे रहता टैंक में? बह ही जाता ना, क्योंकि उसमें क्रैक्स हो गए थे। और उसके आजू बाजू क्या था? कोई भी ट्रीज नहीं थी, कोई पेड़ नहीं थे, कोई भी घास नहीं थी। आजू बाजू बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी। मतलब ऑल टोटल टैंक मिट्टी और पत्थरों से भरा हुआ था। उसमें बहुत सारे क्रैक्स भी पड़ गए थे और क्या हुआ था? उसके आसपास ग्रीनरी नहीं थी, मतलब पूरा सब कुछ सूखा हुआ था। अब चिल्ड्रन ने क्या बोला? वी मस्ट क्लीन द टैंक। उन लोगों ने आपस में क्या बात की कि हम टैंक को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके आसपास का जो एरिया है उसको ग्रीन करेंगे, मतलब आजू बाजू उसके हरियाली लाएंगे। उन्होंने क्या बोला? हम टैंक के आसपास एरिया को क्या करेंगे? ग्रीन करेंगे। कैसे ग्रीन होगा एरिया आसपास का? कि उसके आजू बाजू वो लोग पेड़ लगाएंगे, फिर उसके आसपास ग्रास लगाएंगे, तो उससे वो आजू उसके टैंक के आजू बाजू ग्रीनरी आ जाएगी। और इन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्या था? उनको पहले समझना था कि थिंग्स को कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले वो कैसे था वो समझना बहुत जरूरी था। एंड वाई दे हैड चेंज नाउ, मतलब पहले वो जब ग्रीन था उसमें पानी भर सकता था, सब होता था, तो अभी ऐसा क्यों नहीं है? क्यों चेंज हो गया? क्या रीजन था? वो उनका जानना जरूरी था। तो ये उससे क्या होता उनको? दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वॉटर प्रॉब्लम। उससे क्या होता कि उनको मदद मिलती कि भाई पहले कैसे इस टैंक में पानी भरते थे, ग्रीनरी होती थी, तो कैसे पानी रहता था इसमें। तो अगर उनको ये बात पता चल जाती तो वो लोग क्या करते? इजिली उस टैंक को वापस पानी भरने लायक बना सकते थे, प्रॉब्लम उनका सॉर्ट आउट हो जाता। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर। अब जो ये इनको सॉल्यूशन निकालना था टैंक का, वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं निकालना था, क्योंकि सिर्फ 1 ही साल पानी थोड़ी चाहिए था उनको। उनको चाहिए था काय के लिए? ईयर्स के लिए, मतलब आने वाले सालों में वो इस पानी को हमेशा लोगों को इसमें से पानी मिल सके, इसलिए वो टैंक को इस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते थे टैंक का में, कि मतलब जो उसमें पानी भर के रहे वो पानी कई सालों तक, मतलब लोगों को अब आने वाले टाइम में लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो और उनको अपना गांव छोड़ के कहीं जाना ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड ऑन पेज नंबर 157, द अदर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑन पेज नंबर 157, द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स। टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्कड फॉर इट। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन्ड, द क्रैक्स वेर रिपेयर्ड, ग्रास एंड ट्रीज वेर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक। एज द टैंक वॉज ऑन अ हिल, अ लॉट ऑफ रेन वॉटर
used to flow down the slopes. With this water, soil also would flow away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. Yes, now the panchayat took help. अभी बच्चों ने क्या किया, पंचायत, पंचायत में तो ऑलरेडी थे वो, तो पंचायत में जो एल्डर मेंबर्स थे ना, उनको जाके बच्चों ने क्या बोला कि पहले हमें टैंक को रिपेयर करना पड़ेगा. तो उन लोगों ने क्या किया, एक्सपर्ट्स की मदद ली, मतलब जो इस बारे में जानते थे कि टैंक में वाटर कैसे करना है, जो उसके एक्सपर्ट होते ना, उनसे उनने बात की. तो टुगेदर दे मेड अ प्लान, उन सब ने मिलके प्लान बनाया और फिर तो सारे मिलके उसमें काम करने लगे. तो क्या किया उनने, सबसे पहले दे क्लीन द टैंक, टैंक को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से साफ किया, उसमें से मिट्टी निकाली, पत्थर निकाल के फेंके, सब अलग कर दिया. फिर जो उसमें क्रैक्स थे, मतलब जो दरारें पड़ गई थी जिसमें से पानी लीक हो सकता था, उसको रिपेयर किया, उसको बनवाया. ग्रास एंड ट्रीज वेयर प्लांटेड, फिर उसके आजू बाजू क्या किया, टैंक के आजू बाजू पेड़ और घास दोनों चीजों को उसके आजू बाजू लगाया गया. किसके पास आजू बाजू में, टैंक के. और एज द टैंक वॉज ऑन द हिल, अब टैंक कहाँ पे था बच्चों, इट वॉज ऑन अ हिल, वो हिल के ऊपर था. तो रेन वाटर, जो पानी, जो बारिश का जो पानी होता था ना, वो क्या हो जाता था, वो स्लोप से, जो हिल की जो स्लोप थी ना, उससे पानी नीचे चला आता था, मतलब जो पहाड़ी में जो ढाल थी नीचे की तरफ पानी की, उसमें से पानी बह के नीचे आ जाता था. तो विद दिस वाटर, अब इस पानी के साथ क्या होता था, मिट्टी भी साथ में बह जाती थी. तो उससे क्या होता कि टैंक के आजू बाजू जो बच्चों ने ग्रास लगाई थी, प्लांट लगाया था, वो कैसे बड़े होते, उसके लिए मिट्टी होना जरूरी है ना प्लांट्स के लिए. तो उन लोगों ने क्या सोचा कि ये मिट्टी बह जाएगी तो प्लांट्स कैसे लगेंगे, ग्रीनरी कैसे आएगी. तो उन लोगों ने क्या किया, उसके चारों तरफ छोटा सा डैम बनाया, मतलब मिट्टी का उन लोगों ने जैसे डैम जैसा बना दिया उसके चारों तरफ, जिससे कि मिट्टी बहने ना पाए बारिश के पानी से, और वो मिट्टी वहीं रुकी रहे, जिससे कि ग्रीनरी, ग्रीनरी जो है टैंक के आजू बाजू जो ग्रास और ट्रीज है, वो जल्दी जल्दी बड़े हो सके. देन एवरीबडी वॉन्टेड फॉर द रेन टू कम. वेन इट रेन्ड, the tank filled up with the water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. One monsoon went by, then another. Things got better every year. The tank filled a little more. The plants grew. The fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rains had stopped. The wells and ponds in the village had water again. There was greenery once again. The people did not have to leave their village for work. The hard work of Bhima Sangh had shown results. The children had shown the way. Those children are now grown up, but the Bhima Sangh continues, and every year more children are proud to become its members and work together to always lead the way. Now everybody was waiting for the rain, because when the rain will come, then only the tank will be going to fill na. Jab barish aayegi to hi pani bharega na tank mein, aur jab barish aayi to kya hua, tank bhar gaya, पानी से टैंक भर गया. और तो बच्चों ने क्या किया, उसमें क्या डाल दिया, फिश डाली, टैंक में फिश डाली. और उन्होंने एक गार्ड रखा, काहे के लिए रखा था गार्ड, ताकि कोई टैंक में से मछली को चुरा ना ले जाए और प्लांट्स को कोई हार्म ना दे. हाँ, मतलब कोई प्लांट्स को उखाड़ के ना फेंक दे, या जो डैम उसके आजू बाजू डैम बनाया था उसको कोई ना तोड़ दे. तो उन लोगों ने क्या किया, एक गार्ड को वहां पे खड़ा कर दिया जो देखे. अभी क्या हुआ, वन मानसून वेंट बाय, मतलब एक बारिश का मौसम निकला, दूसरा बारिश का मौसम निकला, तीसरा बारिश का मौसम निकला. थिंग्स क्या हो रही थी, बेटर हो रही थी, इम्प्रूवमेंट आ रहा था. कैसे, द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर. अभी हर साल जो था पानी, जो टैंक जो था पूरा, बहुत बड़ा टैंक था, तो उसमें एक ही बारिश में वो भर नहीं सकता था. तो दो तीन बारिश गई, मतलब 2-3 साल निकले, तो धीरे धीरे टैंक का पानी बढ़ने लगा. उसके आजू बाजू के जो प्लांट्स थे वो भी बड़े होने लगे. फिश जो ने एक फिश डाली थी बच्चों ने, वो अब मल्टीप्लाइड हो गई, मतलब बढ़ गई वो पानी में, ज्यादा हो गई फिश. और 2 or 3 years, मतलब 2-3 साल के बाद,
टैंक जो था पानी से फुल हो गया। इवन आफ्टर, मतलब जब बारिश बंद हो गई थी उसके बावजूद भी टैंक में पानी था। नाउ द वेल्स एंड पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। अभी जो था वेल्स और पॉन्ड्स में भी पानी आ गया। कैसे आया? उसका जो सप्लाई था वो टैंक से था, तो टैंक में पानी फुल होने से वो वेल्स में आ जाता था, पॉन्ड्स में भी पानी आ गया। देयर वर ग्रीनरी वंस अगेन, फिर से वहां उसके आसपास क्या हो गई? ग्रीनरी हो गई, सब तरफ हरा भरा हो गया। अब लोगों को अपना गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी, अब वो अपने ही गांव में रह के काम कर रहे थे। अभी क्या हुआ? द हार्ड, अभी हमने क्या देखा कि जो भीमा संघ था, जो बच्चों ने, जो पंचायत में जो बच्चे थे उनका जो ग्रुप था, उनके हार्ड वर्क से, मतलब उनने जो कड़ी मेहनत की, उसका रिजल्ट निकल के आया। आया ना बच्चों? कैसे रिजल्ट निकला? उन लोगों ने रास्ता दिखाया। किनको? बड़े लोगों को रास्ता दिखाया कि इस तरीके से हम पानी को वापस अपने गांव में रख सकते हैं और लोगों को भी वहां पे रोक सकते हैं। अभी जो बच्चों ने काम किया था उस टाइम पे, वो बच्चे अब क्या हो गए थे? बड़े हो चुके हैं। पर जो भीमा संघ है वो अभी भी कंटिन्यू है। कैसे कंटिन्यू है? अब जो इस ग्रुप के बाद के जो छोटे बच्चे थे वो उस ग्रुप में ज्वाइंट हो गए, और उस टाइम जो भीमा संघ बना था उसमें बच्चे काउंटेबल बच्चे थे, मतलब थोड़े बच्चे थे उसमें। पर अभी क्या थे? ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस संघ में वो जुड़ रहे थे और उसको वो प्राउडली उसमें काम कर रहे थे, और वो गर्व महसूस करते हैं कि हम इसके मेंबर्स हैं। किसके? भीमा संघ के मेंबर हैं, और वो एक साथ मिलके काम करते हैं टू ऑलवेज लीड द वे, कि जिससे कि वो आगे का एक रास्ता बना सके। अगर कोई गांव में प्रॉब्लम आती है या कोई और कंडीशन वर्स्ट होने लग जाती है, तो वो सारे मिलके उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ओके? डिड यू गॉट व्हाट इज स्टोरी अबाउट? यस स्टूडेंट, नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड नाइसली। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? मैंने आपको टॉपिक वाइज एक एक चीज समझाई थी, सेल्वा सुगना का, फिर रोहन और रीना का वाटर टैंक का, फिर उसके बाद में रजिया मैडम के हाउस का, वहां पे दीपक और पुष्पा के बारे में हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने वाटर का प्रॉब्लम अगर होता है तो टैंक बना के उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। नाउ आई वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज मास्टर अब्दुल रहमान। एक्सलेंट बेटा, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। आपने हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वॉचिंग द वीडियोज एंड गिविंग द आंसर। आई एम हाईली डिलाइटफुल टू सी योर वर्क। आप ऐसे ही अपने काम करते रहिए, ऐसे वीडियोज वॉच करिए और क्वेश्चन के आंसर्स देते रहिए। नाइस वर्क बेटा, जजाकल्ला। होप यू ऑल आर फाइन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।